रतलाम में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना में छात्र संगठन डीओसी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। छात्र संगठन ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं क्योंकि इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्रा को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। डीएसओ की छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन के इस कृत्य की भी कड़ी आलोचना करने के साथ ही छात्रा के साथ पढ़ने वाले आरोपियों सभी क्लासमेटों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संगठन डीएसओ के द्वारा रतलाम शहर में जो एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में जो एक घटना हुई है जिसमें एक 10वीं की छात्रा के साथ वहां पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसी के क्लासमेट छात्रों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। ये जो घटना हुई है इसकी डीएसओ निंदा करता है और हम लोग यहाँ पर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री के नाम। हम लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही साथ जो बच्ची को स्कूल से निष्कासन का जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है। जहां बच्ची को पीड़िता को साथ देने की ज़रूरत है वहां इस तरीके का जो एक निर्णय लिया गया है इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उसका निष्कासन पूरी तरीके से वापस लिया जाना चाहिए।